Hey guys, you're watching RC Technician, मैं राजा हूं। फाइनली दोस्तों यहां पे मैं बात करूं यहां पे विंडोज 10 को एक्टिवेट को लेकर मैंने काफी सारे वीडियोस बना दिया है। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा और विंडोज को एक्टिवेट करने के लिए आप इस वीडियोस पे आए हो तो आप उस वीडियोस को देख लो, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। अब यहां पे काफी सारे लोगों का वहां पे काफी अच्छा प्यार मिला और बहुत सारे लोगों ने ऐसा कमेंट किया कि अगर मैं विंडोज को एक्टिवेट करने जाऊं लेकिन उससे पहले उनको ये पता नहीं लग रहा है यार विंडोज को आखिर डाउनलोड कहां से करें, क्योंकि अगर विंडोज को डाउनलोड आप नहीं करोगे तो आप कैसे किसी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाओगे और कैसे अपने पीसी या लैपटॉप को फॉर्मेट करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला पॉइंट होता है कि विंडोज को डाउनलोड कैसे किया जाए, विंडोज की जो फाइल है इमेज फाइल उसको डाउनलोड कहां से किया जाए, क्योंकि काफी लोग आप लोगों को गलत गलत इन्फॉर्मेशन दे देंगे, काफी सारे वायरस वाले वेबसाइट आप लोगों को पहुंचा देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कौन सा ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे आसानी पूर्वक आप डाउनलोड कर पाओगे विंडोज की इमेज फाइल को। और यहां पे एग्जांपल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यहां पे विंडोज 10 को मैं यहां पे लेने वाला एग्जांपल, क्योंकि अभी लेटेस्ट विंडोज 10 चल रहा है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को मैं बताता हूँ कैसे आप डाउनलोड कर पाओगे विंडोज की इमेज फाइल को। इसके लिए मैं आप लोग चलूंगा अपने लैपटॉप स्क्रीन में और वहां पे ये सारी बातें करेंगे कैसे क्या क्या करना है। लेकिन चाहूंगा आपने वीडियोस को अब तक लाइक नहीं, वीडियोस को लाइक करो पल पल से अपडेट के लिए और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप पीसी में आ जाना है, जो भी आपका कंप्यूटर या लैपटॉप हो। उसके बाद सबसे पहले तो देख लेना आपका नेट कनेक्ट है या नहीं, स्पीड कैसा नेट का, ओके। उसके बाद गूगल क्रोम को ओपन करो, आपके पास जो भी ब्राउजर है उसे आप ओपन कर सकते हो। तो फाइनली यहाँ पे आपको सर्च क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है विंडोज, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं विंडोज 10 डाउनलोड, इतना आप लिख सकते हो बस। उसके बाद आपको सर्च कर देना है और इस वीडियो में पूरी तरीके से बताने वाला हूं, तो वीडियो पे बने रहना। और देख सकते हो यहाँ पे आपको ऑफिशियल लिंक माइक्रोसॉफ्ट का नजर आ रहा है, उसके बाद जस्ट नीचे भी आपको एक लिंक मिल जाता है जो भी माइक्रोसॉफ्ट का है। तो यहाँ पे आपको दो लिंक्स स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाता है, देखना ध्यान देना है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लिखा रहा है उसी पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले वाला जो आईएसओ फाइल है, क्योंकि मुझे किसी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए आईएसओ फाइल की जरूरत पड़ती है, तो मैं फर्स्ट को यहाँ पे प्रेफरेंस करूंगा, फर्स्ट को मैं क्लिक करूंगा। ओके, मैंने फर्स्ट को क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करोगे आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज 10 डाउनलोड के ऑफिशियल पेज पे आ जाते हो और यहाँ पे आपसे फर्स्ट में तो बोला जाए कि आपके पास जो विंडोज 10 है उसे आप अपडेट करना चाहते हो तो उसे आप यहाँ से अपडेट फाइल को डाउनलोड करके अपडेट कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया, मैं आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो ओएस है उसको यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए बताने वाला हूँ। तो फाइनली देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट विंडोज 10 इंस्टॉलेशन टू मीडिया, तो फाइनली यहाँ पे इंस्टॉलेशन मुझे करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे आईएसओ फाइल चाहिए। तो इसे डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है, ओके, विंडोज 10 इंस्टॉलेशन जो फाइल है इस पे आपको यहाँ पे डाउनलोड टूल्स नाउ पे क्लिक करना है। तो ये डाउनलोड टूल्स का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे नीचे आपको डाउनलोड फाइल हो जाएगा, उसे आपको जहां पे आपको वो सेव हुआ फाइल वहां पे जाके आपको ओपन करना है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा डाउनलोड फाइल होके यहाँ पे आ चुका है। अब ये यहाँ पे कोई विंडोज 10 की फाइल नहीं है, आप विंडोज 10 यहाँ पे इसको मत समझो, इसके थ्रू आपको डाउनलोड करना है। तो इसको ओपन करना है आपको इस पे राइट क्लिक करने के बाद, तो इस पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद ओपन करना है, उसके बाद ये इसका ऑप्शन आपके सामने आएगा। फिलहाल यहाँ पे आपको शो नहीं कर रहा होगा, तो इसके ऑप्शन पे क्लिक कर देना, उसके बाद विंडोज देख सकते हो। उसके बाद जितने भी यहाँ पे आपने खोल रखा है उस सारे को यहाँ पे फाइल को कट कर दो, और जैसे ही मैंने उसको ओपन किया तो ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा, जैसा देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो गेटिंग ए फ्यू, तो यहाँ पे कुछ समय आपका लग सकता है, कुछ समय यहाँ पे मतलब 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक भी लग सकता है, ये आपके नेट कनेक्शन पे डिपेंड करता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ यहाँ पे अरेंज एग्रीमेंट पॉलिसी वगैरह कुछ है, तो आप इस लाइसेंस को पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, हालांकि कौन इसे पढ़ता है। तो चलिए मैं इसको स्कॉर्ड कर लेता हूँ। ओके, मैंने यहाँ से इसको स्कॉर्ड कर लिया, तो एक बार स्कोर करके आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप इसे पढ़ने वाले हो, तो मैं स्कोर करते हुए इसे एग्री करूंगा। ओके, तो देखो नीचे एग्री का बटन पे मिल जाता है, यहाँ पे एग्री कर देना और आगे बढ़ जाना है। उसके बाद भी आपको फिर कुछ इसी तरह से यहाँ पे कुछ समय लगेगा, लगभग यहाँ भी 5-10 मिनट आपको लग सकता है, ये आपके इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंड करता है, मैंने पहले ही आपको बोला। तो यहाँ पे आपको समय थोड़ा वीडियो मैं फास्ट कर दे रहा हूँ, देख सकते हो। ओके, तो फाइनली यहाँ आपको देख सकते हो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं बताऊं कि फर्स्ट वाला तो यहाँ पे आप कर सकते हो आईएसओ, लेकिन मुझे यहाँ पे आईएसओ फाइल चाहिए जिससे मैं अपने डीवीडी पेन ड्राइव ये सारे को यहाँ पे बूटेबल करूं, तो उसके लिए मुझे सेकंड का जो ऑप्शन है इसे मुझे क्लिक करना होगा। तो फाइनली आपको भी इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि यहाँ पे आपको आईएसओ फाइल डाउनलोड होगा जिससे आप डीवीडी डिस्क वगैरह को आप यहाँ बूटेबल बना सकते हो। ओके, यहाँ पर साफ तौर पर ये चीज लिखी नजर आई, तो सेकंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको
यस करना है, आगे बढ़ना है। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है कि आपको लैंग्वेज क्या चूज करना है। और यहाँ पे जैसा कि आपको चूज करने का यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 64 बिट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन लोग चाहते हैं उनके 32 बिट अगर कंप्यूटर है तो वहाँ पे आप अनटिक करके इसको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। हालांकि मैं बोलूंगा ओके यूनाइटेड का जो लैंग्वेज वही रखो, यहाँ विंडोज 10 इसके अलावा कोई दूसरा नहीं आने वाला। और यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ 32 बिट 64 बिट और दोनों बोर्ड का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपका 32 बिट आपको डाउनलोड करना है 32 बिट करो या 64 बिट। मैं जानता हूँ कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे 64 बिट को ही डाउनलोड करेंगे, तो 64 बिट डाउनलोड करने का 64 बिट क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। और नहीं तो बाय डिफॉल्ट आप क्लिक करो तो खुद ब खुद ये 64 बिट यहाँ पे हो जाता है, जैसे कि देख सकते हो। जैसे इसको हटाओ ओके, चाहो तो आप यहाँ चेंज कर लो, नहीं तो यहाँ बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये ऑलरेडी 64 बिट हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद फिर यहाँ पे दो फाइल आपको नजर आएंगे, या आपने पेन ड्राइव को आप बूटेबल बनाना चाहते हो। अगर आप पेन ड्राइव आप लगा रखे हो अपने पीसी लैपटॉप में, जैसा कि मैं अगर बताऊं तो देख सकते हो मैं यहाँ पे पेन ड्राइव लगाता हूँ, तो मैं यहाँ पर पेन ड्राइव हूँ और ये अपने लैपटॉप में लगा रहा हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे मैंने पेन ड्राइव को लगाया, उसके पेन ड्राइव लगाने के बाद मैं इसको कट कर दूँ, मतलब मुझे पेन ड्राइव में नहीं करना, मुझे आईओएस फाइल चाहिए। अगर आप चाहो तो पेन ड्राइव लगा के आप पेन ड्राइव में बूटेबल डायरेक्ट बना सकते हो। मुझे आईओएस फाइल चाहिए तो मैं उस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे आगे बढ़ूंगा। उसके बाद आपको कहाँ पे ये फाइल डाउनलोड करके रखना, मुझे विंडोज जो ओएस फाइल आपको डाउनलोड करना वो कहाँ पे सेव होना चाहिए, तो लोकेशन आप सिलेक्ट कर लो। मैं यहाँ पे फिलहाल आपको बोलना चाहूंगा आप इसे डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करो, ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप सिलेक्ट करूंगा और डेस्कटॉप पे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे सेव करता हूँ, हालांकि विंडोज पहले से लिखा हुआ है। ओके देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे मैं विंडोज के बाद यहाँ पे विंडोज 10 लिख देता हूँ, जिससे मुझे समझ में आ जाएगी यार डेस्कटॉप पे यही फाइल अभी डाउनलोड हुई है। तो मैं विंडोज 10 लिख के यहाँ पे एस करूंगा, सेव करूंगा सॉरी, उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको गेटिंग ए फ्यू यहाँ पे थिंग, उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग है लगभग 100%, और ये एक बार नहीं दो बार नहीं, ये तीन तीन बार इस तरह से होगा। तो आपको वेट करना होगा, आपके इंटरनेट कनेक्शन पे ये डिपेंड करता है कि ये कितने देर में इंस्टॉल होता है, कितना फास्ट आपका इंटरनेट कनेक्शन है, तो यहाँ पे आपको समय लग सकता है दोस्तों। ओके, तो और ये जो मैं बताऊं जो प्रोसेसिंग है ये परसेंटेज यहाँ पे तीन बार ये चलती है, 100% ये तीन बार होगा। ओके, तो जैसा कि स्क्रीन को मैं यहाँ पे आप लोग के सामने रखूंगा, मैं ज्यादा कुछ यहाँ पे पॉज नहीं करूंगा, और हो सके मैं यहाँ पे वीडियोस को थोड़ा फास्ट कर दूं जिससे वीडियो ज्यादा लंबी ना बन, तो मैं यहाँ वीडियोस को फास्ट कर रहा हूँ। और दोस्तों देख सकते हो ये कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है पूरी तरह से, और यहाँ पे ये फाइल हमारा डेस्कटॉप पे सेव हो चुका है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी चेक करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी प्रॉपर्टीज लगभग ये 4 GB अप्रोक्स कुछ यहाँ पे हो चुका है। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा विंडोज का आईओएस विंडोज 10 का आईओएस फाइल रहा। ओके, अब यहाँ पे फिनिश आप इसे कर सकते हो, आपके पास आईओएस फाइल आ गया। अब आप चाहते हो कि इस आईओएस फाइल से कैसे पेन ड्राइव को बूटेबल करके अपने वीडियोस को फॉर्मेट करें, अपने पीसी लैपटॉप को फॉर्मेट करें, तो आप हमें कमेंट्स करो, मैं उस पर वीडियोस बना दूंगा। और इस वीडियोस पे आप लाइक करना यार, वीडियोस अच्छा लगा हो तो। और जैसा कि मैं बात करूं, मैंने विंडोज को एक्टिवेट करने के लिए काफी सारी वीडियो बनाई है, जो आप जाके हमारे आरसी टेक हिंदी यूट्यूब चैनल पर जाके चेक कर सकते हो। वहां पे आपको विंडोज को एक्टिवेट करने को लेकर काफी सारी वीडियो मौजूद है, जिसे आप वहां पे चेक करके देख सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो मैं फिर से बोलना चाहूंगा, वीडियोस को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करो, पर इस तरह की वीडियोस की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मुलाकात कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। फिलहाल तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टाटा।